हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और इसी हैप्पी नोट पे आज हम बनाएंगे फजी चॉकलेटी एगलेस ब्राउनी, जो एक परफेक्ट पार्टी डिजर्ट है जिसे आप ठंडा या गर्म एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज और वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें एक लाइक और कमेंट देकर अपना प्यार जरूर जताइए और इन्हें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी एगलेस ब्राउनीज। तो सबसे पहले हमें चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करना है, तो इसलिए हमने पानी को उबाल लिया है और अब हम इस पर रख देंगे हमारा चॉकलेट का बोल और फ्लेम को एकदम कम कर देंगे। यहाँ पर मैंने 120 ग्राम्स या फिर हाफ कप ऑफ कुकिंग चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। 1 से 2 मिनट बाद हमारी चॉकलेट जो है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी, तो इस वक्त हमें फ्लेम को पूरी तरह बंद कर देना है और एक विस्क की मदद से चॉकलेट को अच्छी तरह से मिक्स करते करते मेल्ट कर लेना है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 80 ग्राम्स ऑफ बटर। यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो इसमें अनसॉल्टेड बटर का भी यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा चॉकलेट और बटर जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। एक छलनी को बोल पर रख देंगे और इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे 1 कप मैदा। फिर इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप पीसी हुई चीनी या फिर पाउडर्ड शुगर। अब इसमें जाएगी 1/4 कप कोको पाउडर और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इन सारी चीजों को छलनी से छल लेंगे ताकि ये सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब एक विस्क की मदद से हम ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप ऑफ मिल्क। मैंने दूध को थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है। दूध को हमेशा पैचेस में ही ऐड करें, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें, पूरा दूध एक साथ ना डालें। थोड़ा थोड़ा दूध डालने से हमारी गुठलियाँ जो हैं वो पूरी तरह टूट जाएंगी और हमारा बैटर जो है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। बाकी के केक के बैटर के कंपैरिजन में ब्राउनी का बैटर थोड़ा सा थिक होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ब्राउनी का बैटर पूरी तरह तैयार है। तो आइए इसे एक केक टिन में ट्रांसफर कर लेते हैं। केक टिन को मैंने पहले से ही ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आज मैं इस पे कोई मैदे की डस्टिंग नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अपनी ब्राउनी पे वो व्हाइट स्पॉट्स नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो कोको पाउडर का डस्टिंग कर सकते हैं। तो ये जो फोल्ड्स आप देख रहे हैं ये बताते हैं कि हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो एकदम परफेक्ट है। तो आइए अब हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारे क्रश्ड वॉलनट्स। और इन्हें हल्का सा बैटर से कवर कर लेंगे। मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। तो अब हम इस ब्राउनी को 25 टू 28 मिनट्स तक बेक करेंगे 180 डिग्रीज पे। तो आइए हम अपनी ब्राउनी को बेक कर लेते हैं। जब तक ये बेक होती है हम बना लेंगे इसका चॉकलेट टॉपिंग या फिर चॉकलेट गनाश। इसके लिए हमें चाहिए 200 ml ऑफ फ्रेश क्रीम। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाएगी। हमें इसे बार बार चलाते हुए हल्का सा गरम कर लेना है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप 150 ml नॉर्मल मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम में एक हल्का सा उबाल आ गया है। तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम्स ऑफ कुकिंग चॉकलेट या फिर डार्क कंपाउंड और 1 टीस्पून बटर को भी ऐड कर देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को एक विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। और ये हो गई हमारी चॉकलेट सॉस या फिर चॉकलेट गनाश रेडी। आइए चेक करते हैं हमारी ब्राउनी। आप देख सकते हैं कि इसके साइड्स भी अच्छी तरह से सेपरेट हो गए हैं टिन से।
तो हमारी ब्राउनी जो है वो परफेक्टली बेक्ड है। तो अब हम इसे एक कूलिंग रैक पर डीमोल्ड कर लेंगे। और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। फिर इस पर चॉकलेट गनाश स्प्रेड कर लें। अब ब्राउनीज को हॉट भी सर्व कर सकते हैं। ब्राउनीज थोड़ी ड्राई होती हैं, इसलिए आप इसे आइसक्रीम, क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग या फिर अपने मन पसंद टॉपिंग के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। तो अब हमारी चॉकलेट गनाश जो है वो हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, सारे साइड्स को हमने कवर कर लिया है। तो अब हम इसे गार्निश करेंगे वह ढेर सारे क्रश्ड वॉलनट्स के साथ। वॉलनट्स को मैंने हल्का सा बटर पे रोस्ट कर लिया है ताकि इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाए। तो आइए अब ब्राउनीज को सर्व करते हैं। ब्राउनीज को हमेशा बड़े स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स में ही कट करें। तो है ना ब्राउनीज को बनाना एकदम आसान। तो चलिए आप भी झट से अपने किचन में जाइए और ब्राउनीज को ट्राई कीजिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें एक लाइक और कमेंट करके अपना प्यार जरूर जताइए और मेरी रेसिपीज को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरी इस रेसिपी के साथ मेरी बाकी की रेसिपीज को भी आप ट्राई करते रहिए। तो फ्रेंड्स, जल्द ही लौटूंगी एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय।